अब हम स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन हाई मास्ट में अंडरग्राउंड केबल बिछाने की चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भूमिगत केबल कैसे बिछाई जाती है। भूमिगत केबल बिछाने से पहले हमें निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी होंगी। एक, केबल बिछाने के रूट मैप की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दो, केबल रूट मैप के आधार पर केबल रूट की जांच करें। रूट में पड़े पेड़ की जड़ें, स्थाई संरचनाएं, सर्विस पिलर, पानी के मेन, सीवर, नालियां, बस स्टॉप आदि जैसी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मार्ग निजी संपत्ति से नहीं गुजरना चाहिए, जिसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता है। तीन, यदि संभव हो तो कैरेज वे के बजाय फुटपाथ के साथ केबल बिछाई जानी चाहिए। भविष्य की निर्माण परियोजनाओं की योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। मार्ग जहां तक संभव समानांतर चलने वाले गैस पाइप, पानी के पाइप और टेलीफोन या दूरसंचार केबल से दूर होना चाहिए। चार, काम शुरू करने से पहले साइट का निरीक्षण करने के बाद हमें केबल, रेत, सीमेंट और ईंट जैसी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। जमीन खोदने के लिए फावड़ा, कुदाल जैसे उपकरण। अब खुदाई शुरू करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें अधिकृत व्यक्ति से अनुमति मिल गई है। मैनुअल और मैकेनिकल मोड का उपयोग करके खाई की खुदाई की जाएगी। यदि सड़क क्रॉसिंग है तो खुदाई तेजी से की जाएगी। उत्खनन के दौरान यदि अन्य उपयोगिताओं के चेतावनी कवरों को उजागर किया जाता है, जो इन कवरों के चारों ओर की मिट्टी को बहुत सावधानी से कुल्हाड़ी की नोक से हटा दिया जाना चाहिए। काम के दौरान किसी भी अन्य उपयोगिताओं की किसी भी उपकरण को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। केबल को खाई के तल पर कम से कम 75 मिलीमीटर रेत के बिस्तर पर बिछाया जाएगा। इसे न्यूनतम 75 मिलीमीटर की अतिरिक्त रेत से ढकना चाहिए। फिर केबल को टाइल्स, ईंटों या स्लैब के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। अब हम भूमिगत केबल बिछाने के प्रकार के बारे में जानेंगे। अंडरग्राउंड केबल को जमीन के नीचे लगाना या बिछाना होता है। भूमिगत केबल नेटवर्क की विश्वसनीयता अत्यधिक केबलों के उचित बिछाने, केबल जोड़ों की गुणवत्ता और शाखा कनेक्शनों पर निर्भर करती है। भूमिगत केबल बिछाने के तीन मुख्य तरीके हैं। वह है, एक, सीधा बिछाना, जिसमें हम खुदाई के बाद रेत डालते हैं। जिस पर हम केबल बिछाते हैं उसके बाद हम केबल के दोनों तरफ ईंटें लगाते हैं। उसके बाद हम ईंटों को रेत से भरते हैं। हम बिछाई गई केबल को ईंटों से ढक देते हैं। उसके बाद हम खोदे गए क्षेत्र को मिट्टी से ढक देते हैं। तो ड्रॉ इन सिस्टम, जिसमें हम जमीन खोदने के बाद ह्यूम पाइप या पीवीसी पाइप बिछाते हैं, जिसमें केबल बिछाई जाती है। उसके बाद हम जमीन को मिट्टी से भर देते हैं। तीन, ठोस प्रणाली, जमीन खोदने के बाद हम कंक्रीट की खाई बनाते हैं, जिसमें हम केबल बिछाते हैं। हम खाई को कंक्रीट स्लैब के साथ कवर करते हैं। अब हम बिछाने की प्रक्रिया सीखेंगे। डायरेक्ट और ड्रॉ इन सिस्टम सबसे लोकप्रिय है और अधिकांश स्थानों पर उपयोग में है। अब हम डायरेक्ट बिछाने की प्रक्रिया और ड्रॉ इन सिस्टम केबल बिछाने की प्रक्रिया देखेंगे। एक, डायरेक्ट बिछाना, यह विधि सबसे लोकप्रिय है, सरल और सस्ती है। अब हम सीधे बिछाने की प्रक्रिया देखेंगे। एक, पहले हम कम से कम 750 मिलीमीटर गहरी और 450 मिलीमीटर चौड़ी खाई बनाएं। दो, फिर खाई को महीन रेत की 100 मिलीमीटर मोटी परत से ढक दिया जाता है। तीन, केबल रेत के बिस्तर के ऊपर रखी गई है। रेत का बिस्तर केबल को जमीन में नमी से बचाता है। चार, फिर बिछाई गई केबल को फिर से लगभग 100 मिलीमीटर मोटी रेत की परत से ढक दिया जाता है। पांच, जब एक ही खाई में कई केबल बिछाई जानी हो
तो आपसी हीटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिक्त प्रदान की जानी चाहिए। केबलों के बीच की दूरी यह भी सुनिश्चित करती है कि एक केबल में होने वाली खराबी बगल वाले केबल को नुकसान न पहुंचाए। 6. केबल को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए खाई को ईंटों और मिट्टी से ढक दिया जाता है। 2. ड्रॉ इन सिस्टम। यहां इस विधि में केबल मार्ग के साथ उपयुक्त स्थानों पर मैन होल के साथ कास्ट आयरन पाइप या कंक्रीट पाइप या भूमिगत डक्ट रखी जाती है। फिर केबल को मैन होल से पाइप में खींच लिया जाता है। मैन होल के बीच की दूरी ऐसी होनी चाहिए कि केबल खींचने में आसानी हो। कोनों पर या मार्ग की दिशा बदलते समय कोनों की त्रिज्या लंबी होनी चाहिए।